तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, या फिर कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपने पर्सनल चॉइस के लिए, पर्सनल पसंद के लिए आप एक बोर्ड लेना चाहते हैं? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैंने दो बोर्ड की अनबॉक्सिंग की हुई है। ठीक है, मेरे पास छोटा बोर्ड भी है और बड़ा बोर्ड भी है। दोनों बोर्ड में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको कौन सा बोर्ड लेना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास दो बोर्ड है अभी फिलहाल, और क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, मेरा ये टेक वाला चैनल है और एक दूसरा चैनल है जिस पर मैं पढ़ाता भी हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने ये छोटा बोर्ड खरीदा था, देख सकते हैं आप लोग, ये वाला बोर्ड। ठीक है, तो ये बोर्ड है और इसमें आप लोग दोनों साइड से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस साइड आप चार्ट से लिख सकते हैं, ये मेरे छोटे भाई ने लिख डाला है सब कुछ, और ये इस साइड मार्कर से लिख सकते हैं आप लोग। अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, सो डोंट वरी, वीडियो के एंड तक देखना। तो दोस्तों ये वाला बोर्ड मैंने लिया था जब मैं यूट्यूब पर काम नहीं कर रहा था, तब के लिए मैंने ये वाला बोर्ड लिया था, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के लिए जो घर में बच्चे आते हैं उन्हीं को पढ़ाने के लिए बोर्ड का काम चल जाता था। वैसे छोटा पड़ता था लेकिन फिर भी इसमें काम चल जाता था अपना। लेकिन अब बात आती है यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आपको दोस्तों मैं बिल्कुल भी छोटा बोर्ड सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप तो देख सकते हैं ये है, और ये है अपना बड़ा वाला बोर्ड, देख सकते हैं जैसा कि। ठीक है ना, तो अभी ये मैंने अभी भी मंगवाया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करना है आपके सामने। और ये इस बोर्ड को रखते हैं हम साइड में, और यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं तो छोटा बोर्ड मत खरीदिए आप। चलिए अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको, इसे रखते हैं साइड में। दोस्तों ये है बोर्ड, देख सकते हैं, और ये हमने खरीदा हुआ है। यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं और आप लोग बाजार जाके नहीं खरीद सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है और आप लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके खरीद सकते हैं यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए ये है इस तरह से बोर्ड, और इसे हम करते हैं साइड में। और ये अकेले बन नहीं रहा भाई, कैसे निकलेगा, है ना। चलिए तो दोस्तों ये रहा अपना बोर्ड, ये मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया इसकी, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बोर्ड है। और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, और इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर रोलेक्स की ब्रांडिंग दी हुई है, और ये बैक साइड दोस्तों। तो दोस्तों जो ये व्हाइट साइड है, इस साइड आप मार्कर से लिख सकते हैं हाउ टू बाई व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इस तरह से आप लोग मार्कर से लिख सकते हैं साइड। और ये साइड है दोस्तों, आप लोग यदि चौक से लिखना पसंद करते हैं तो आप इस साइड चौक से भी लिख सकते हैं। मेरे पास चौक तो नहीं है, बट आप लोग खरीद के और चौक से लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें ये भी है दोस्तों खोल करके, और इसमें रस्सी अस्सी लगा सकते हैं टांगने के लिए। दोनों साइड मिलती है आपको, एक इस साइड और एक इस साइड मिलती है। अब ये कितने बाई कितने का मैं आपको बता देता हूँ। यह है दोस्तों 3x4 का, यानी कि 3 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा है। ठीक है, और जो छोटा बोर्ड है, ये बोर्ड है मेरा 2.5-3 का, 2.5 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा, तो ये बहुत छोटा बोर्ड हो जाता है। इसमें छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं, छोटे छोटे सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े सवाल लगाना होता है या बड़ा कोई लंबी चीज बतानी होती है, तो फिर बोर्ड में आपको 2-3 बार मिटाना पड़ता है एक ही चीज को बताते बताते, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे। क्योंकि यदि एक सवाल हम कर रहे हैं और उस सवाल को हमें पूरा 3 बार मिटा के फिर बताना पड़े तो मजा नहीं आता। जब तक सवाल पूरा बोर्ड में लिखा रहता है, तब बच्चों को समझने में भी आसानी होती है यदि वो तो सवाल पूरा बोर्ड में लगा है। तो बड़े बोर्ड बढ़िया रहते हैं। यदि आप लोग खरीदना चाहते हैं तो फिर से आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, छोटे बोर्ड की भी, बड़े बोर्ड की भी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना।